हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि आपकी ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी ना, इस तरीके से ऑफ होगी जब भी आपकी स्क्रीन, तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी बार नोटिफिकेशन आएगा उतनी बार आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी इनेबल होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है ना, इस सेटिंग पेज को आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। इस से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ना ये ऑप्शन शो हो जाएगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ये वाला। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।